इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में न्यायिक नियुक्ति बिल पास हो गया है। इससे पहले लोकसभा में ये बिल कल ही पास हो चुका है। अब जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा। अब कोलिजियम से जजों की नियुक्ति नहीं होगी। राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है, कल लोकसभा में भी ये बिल पास हो चुका था। और खास बात ये थी, लोकसभा में जब बिल पास हुआ कि एक भी वोट इसके खिलाफ में नहीं पड़ा था, और आज राज्यसभा में भी पास हो गया है। हालांकि राज्यसभा में माना जा रहा था कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन AIADMK के समर्थन के बाद काफ़ी आसानी से राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से ये बिल पास हो गया है। तो न्यायिक नियुक्ति बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है। लोकसभा में कल ही पास हो चुका था और आज राज्यसभा में भी न्यायिक नियुक्ति बिल पास हो चुका है। अब जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा, और नियुक्ति की जो प्रक्रिया पहले थी कोलेजियम के द्वारा, अब कोलेजियम से जजों की नियुक्ति नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में उच्च स्तर में भी न्यायिक नियुक्ति बिल पास हो चुका है। कल निचले सदन में ये पास हो गया था बहुमत से पूर्ण, और अब 2/3 बहुमत के साथ ही राज्यसभा में भी आसानी से ये बिल पास हो गया है। तो अब एक आयोग बनाया जाएगा और कोलेजियम के द्वारा अब जजों की नियुक्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा और उसी के जरिए अब जजों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में ये बदलाव किया जाएगा। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है और अब राज्यसभा में भी ये बिल पास हो चुका है। 166 मत इसके पक्ष में पड़े हैं, इसके विपक्ष में सिर्फ एक मत देखने को मिला है। तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा में यानी कि उच्च सदन में भी अब ये बिल पास हो गया है। और ज्यादा जानकारी अजय दे रहे हैं। अजय, दोनों सदनों में पास हो गया है, हालांकि राज्यसभा में पहले माना जा रहा था कि 2/3 बहुमत नहीं है, यानी अब माना जाए कि प्रक्रिया में बदलाव होगा जजों की नियुक्ति की। लेकिन निश्चित रूप से कल पहले ही लोकसभा में ये बिल पास हो गया था और राज्यसभा में आज ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट बिल संशोधनों के साथ पास हो गया। और इसके रास्ते में जो रुकावट थी वो कांग्रेस पार्टी के ने जो दो संशोधनों को हटाने की बात कही थी उसको सरकार ने मान लिया, और उसके बाद ये साफ हो गया था कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। और अब दोनों ही सदनों में ये संशोधनों के साथ ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट बिल पास हो गया है, और अब आगे की जो प्रक्रिया है, जो मेंबर्स हैं उनको बनाया जाएगा और आगे की प्रक्रिया अब शुरू होगी। जी, क्या कुछ संशोधन थे जिनके बाद अभी पूरा बिल पास कर लिया गया है? एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों सदनों में, कल लोकसभा में पास हो चुका है न्यायिक नियुक्ति बिल, और आज उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में भी ये बिल अब पास हो चुका है। यानी कि जजों की नियुक्ति के लिए अब राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा, और जो पहले की प्रक्रिया थी कोलेजियम के द्वारा, जजों की नियुक्ति अब नहीं की जाएगी।